नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुबह चौधरी। तो चला अपना प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कन्नौज के तिरवा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर विपक्ष और समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर बरसे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जब तक शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक देश समाज में बेहतरी नहीं है। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल सरकार में रहते हुए समाज में केवल यादवों का अधिकार और मुसलमानों के साथ नफरत की राजनीति की गई है। हमारी पार्टी का मानना है, इस बात को हम लोग समय समय पर, जहां मीटिंगें होती हैं एनडीए की, वहीं से बात को रखी गई है। लेकिन सब होता क्यों नहीं है, जब 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 डबल इंजन के सरकार के साथ हैं। देखिए, ये हमने पार्टी बनाई, इस काम को करने का हमने बीड़ा उठाया है। हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये हमारी पार्टी का सोच है, इस सोच को हम लोगों के बीच जाते हैं। हम उनसे कहते हैं भाई ये मेरी लड़ाई है। अब मानना ना मानना कुछ चीज़ें उसमें, जैसे हम इलाज के सवाल पे, तो 5 लाख आयुष्मान कार्ड बना गरीबों के इलाज के लिए। हम भी आज कहते हैं कि आप सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा के दे दो, आय प्रमाण पत्र दे दो, आधार कार्ड की कॉपी दे दो, जितना रुपया चाहिए हम देने को तैयार हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में हम देंगे, हमसे कोई ले। सब अभी आप अखिलेश के साथ में थे, क्या अखिलेश ने ये सब बातें आपकी नहीं सुनी? देखिए, अगर सच कहा जाए तो आप भी लिखते थे MY, M के साथ क्या होता था, नफरत दी जाती थी, Y को अधिकार दिया जाता था। और इस देश में रहने वाले अहिर गड़ेरी, हमारी पार्टी का मानना है, इस बात को हम लोग समय समय पर, जहाँ मीटिंगें होती। बात कर लेते हैं देवरिया की, जहां पूर्व विधायक की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देवरिया जिले में पूर्व विधायक की दूसरी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने गरीब असहाय लोगों को कंबल बांटे। सदर सांसद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व विधायक प्रमोद सिंह की पुण्यतिथि उनके गाँव असनहर में उनके पुत्र सत्य प्रकाश की तरफ से आयोजित की गई। स्वर्गीय पूर्व विधायक प्रमोद सिंह भी एक साधारण परिवार से निकलकर मुंबई में कठिन परिश्रम करने के मुकाम पर उन्होंने हासिल की। जब क्षेत्र को जरूरत पड़ी तब उन्होंने आकर बतौर विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया। ऐसे में उनका असमय जाना क्षेत्र समेत पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। चौरी बाजार के पूर्व विधायक और हमारे अनन्य सहयोगी स्वर्गीय प्रमोद सिंह के आज दूसरी पूर्व तिथि पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज के अवसर पर ब्रिटेन बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। तो फिरोजाबाद में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद जिले के सुखाबाद नगर के एक डिग्री कॉलेज से हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जहां सुबह ही प्रतिभागियों और अधिकारियों को बुलाया गया। इस दौरान अव्यवस्था से प्रतिभागियों में खासी नाराजगी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि हाफ मैराथन दौड़ के लिए विद्यालय के माध्यम से 300 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन वसूला गया है। तो वहीं रोड बंद कर राहगीरों को भी परेशानियों का इस हाफ मैराथन दौड़ से सामना करना पड़ा। राघव सिंह, आप कहां से कहां तक दौड़ कर रहे हैं? आपने रजिस्ट्रेशन कराया था इसका? कितने रुपए में कराया था? कितने क्या क्या का सामान दिया, कुछ दिया इन्होंने? गौरव, आप दौड़ रहे हैं कितने? तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो बागपत में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि 20 साल से पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहे 34 श्रेणी कर्मचारी के हटाए जाने पर पीड़ित कर्मचारियों ने अपने परिवार के समेत बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि ये पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक का है। इस दौरान कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम प्रार्थना पत्र देकर बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। पीड़ित कर्मचारी मनोज शर्मा ने कहा है कि वो 20 साल से बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन जब से बैंक में नए मैनेजर आए हैं वो लगातार उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। पीड़ित कर्मचारी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मोना जी, स्टेट बैंक में यहाँ धरने पे क्यों बैठे, क्या मामला है? मेरा भैया जॉब कर रहा था यहाँ पे, ये मैनेजर ने इसे हटा दिया। कितने दिन किया इसने? इन 20 साल किया है। तो अब किस कारण से हटा है इसका?
क्या कारण है? बिनौली वाले मैनेजर की उससे हटाया है, इनका आपस का कुछ बात होगी। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले? बरनावे के रहने वाला हूँ। अच्छा, स्टेट बैंक में जो बैठे, क्या मांग है आप लोग? मेरी मांग ये है जी सर, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं जी 2003 से लगा हुआ है स्टेट बैंक बरनावा में, बोरी मेहनत करी पूरी आधी रात को भी बैंक में रहा जी। मैंने बहुत मेहनत से काम करा जी, पहले हाथ के काम चले कर रहे थे लेजर के। बेटे बात को लेते हैं हम, जहाँ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही। तो हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। बता दें कि ढिलिया में मरीज के परिजन रिक्शे के सहारे मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे। मरीज को रिक्शे से अस्पताल ले जाते वक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही साथ ये वीडियो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को भी दर्शाता दिख रहा है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां टीचर के साथ लूट का मामला। मेरा नाम प्रेमचंद है, समाज श्री नाथुराम निवासी नई बस्ती। बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे अध्यापक के थैले से 50,000 रुपए गायब हो गए। दरअसल बदमाशों ने थैले को काटकर घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने बोझिया गांव निवासी प्रेमचंद के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद रिटायर्ड शिक्षक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर शिकोहाबाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी। मेरा नाम प्रेमचंद है, समाप श्री नाथुराम निवासी नई बस्ती बोझिया सुखाबाद का हूँ। मैं भारतीय स्टेट बैंक सुखाबाद से 50,000 रुपए हमने निकाले। जैसे ही निकाल करके हम बाहर आ रहे थे, और बाहर आ करके मेरी बैंक में ही वो थैला था मेरे हाथ में, उस थैले से ही थैला का। तो बुलेटिन बात झांसी की कर लेते हैं, जहाँ जीआरपी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी टीम ने एक युवक के पास से 31,85,000 रुपए बरामद किए। तो झांसी में जीआरपी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जीआरपी की टीम की तरफ से चेकिंग के दौरान गुणवाना एक्सप्रेसवे की जनरल बोगी से एक युवक के पास से 31,85,000 रुपए मिले, जहां जानकारी ना देने पर जीआरपी की टीम ने युवक को हिरासत में लिया। दरअसल सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव और आगामी त्योहारों के मद्देनजर ट्रेनों में संदिग्ध व्यवस्था से लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ संदिग्ध वस्तु को भी लेकर चेकिंग अभियान दौरान किया जा रहा है। इस दौरान एक युवक के पास से बिना दस्तावेज के 31,85,000 रुपए मिले, जिसके बाद जीआरपी की टीम आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। देखिए, दिनांक 4/11/2023 को झांसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी झांसी एवं आरपीएफ की सीआईबी टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में गोंडवाना एक्सप्रेस की जनरल बोगी में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर डर गया। पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति से उसके बैग के संबंध में पूछताछ की गई, तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। पहले बताया गया कि इसमें कुछ सामान है। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि इसमें कुछ कैश है। जीआरपी और सीआईबी टीम। तो बुलेटिन बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां एक व्यापारी के घर बदमाशों ने धावा बोला। तो मथुरा में एक आवासीय कॉलोनी में कारोबारी कृष्ण मुरारी के घर बदमाशों ने धावा बोल दिया, जहां रात लूटपाट के इरादे से आए बदमाशों ने पत्नी कल्पना अग्रवाल की हत्या कर दी और बचाव करने पर कारोबारी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद बदमाश करोड़ों का सामान लेकर फरार हो गए। बता दें कि वारदात के वक्त कारोबारी घर में पत्नी के साथ थे। उनका बेटा गोविंद अपनी पत्नी के साथ घूमने वाराणसी गया हुआ था। शनिवार सुबह जब ड्राइवर घर पहुंचा, तब पूरी वारदात की जानकारी मिली, जिसके बाद एसएसपी शैलेश कुमार पांडे पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड से मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की गई। अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई। एक दंपत्ति के चोटिल होने और उसके बाद उनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने का मामला प्रकाश में आया था। हॉस्पिटल में जो महिला है उनकी मृत्यु हो जाना बताया गया है, और जो पुरुष है वो इलाजरत है। ये क्लियर कट हत्या का मामला लग रहा है। हत्या तो है ही, किन कारणों से हुई है इसके बारे में अभी छानबीन चल रही है। ये दोनों पति पत्नी बीती रात अकेले थे, इनके घर में और कोई नहीं था इनके साथ का, तो अभी अज्ञात में ये प्रकरण है। हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं, हमारी क्राइम ब्रांच की दोनों टीमें, सर्वलांस की टीमें, तीन थाने की फोर्स। कुल बटन बात उस संभल की कर लेते हैं, जहां बैंक के शाखा प्रबंधक के पर हमले का मामला सामने।
तो संभल में बैंक के शाखा प्रबंधक पर हमले का मामला सामने आया है। बता दें कि बैंक बंद कर निकली शाखा प्रबंधक पर अज्ञात बदमाश बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि ये सारा मामला जुनवाई क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक शाखा जुनवाई के सामने का बताया जा रहा है, जहां शाखा प्रबंधक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। तो दिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक युवक को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। फिरोजाबाद में गोलीबारी की घटना सामने आई। बता दें कि नंगला खंगर क्षेत्र के नंगला गुलाल में गैस चूल्हे की रिपेयरिंग करने वाले युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए सुकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आया है क्या मामला? एक व्यक्ति हमारे अस्पताल के प्रसंग में आया, उसका नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है, और उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि यहाँ रास्ते में वो रेडियो फेरी काम करता है, अचानक से कोई आवाज़ हुई तो उसका कहना है कि साहब हमें गोली लग गई। तो हम व्यक्ति के परीक्षण कर चुके हैं, पूरा व्यक्ति सही है, प्राथमिक चोट को दे चुके हैं, और गोली के संज्ञान मामला ऐसा है कि उसको एक्सरे के बाद ही पता चलेगा गोली उसको लगी नहीं लगी है। धर्मेंद्र, क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? सर हम यूपी के बुलेटिन, अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।